हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्लेस गेम। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नया नया पबजी खेलना शुरू किया है, और मैं चाहता हूँ कि उनके भी गेम प्ले अच्छे हो, या अगर वो ये स्किप को यूज़ करेंगे तो अपने गेम प्ले में दिखाऊंगा तो वो भी उनका गेम प्ले अच्छा हो सकता है। पहले बता दूँ कि ये उन प्रो प्लेयर्स के लिए नहीं है, अगर प्रो प्लेयर्स को तो ये ट्रिक पहले की पता है। सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहली टिप है कि हम जल्दी कैसे लैंड करें। सो पहले अपने मार्क लगा दें मैप पे, जहाँ भी आपने जाना है एक बार देख लो पीछे। आप मार्क लगा दिए, मेरा रिजॉल्व जाना है। तो गाइस देख लें कि अगर 800 मीटर के पास हो तो हम जल्दी जल्दी लैंड कर लें। ठीक होगा, आप जल्दी लैंड कर सकते हैं। सो अपनी जो है स्टिक को 110 डिग्री पर रखें, जिससे आप काफ़ी बहुत स्पीड है, लेकिन पबजी की हाईएस्ट स्पीड है 234, तो उसकी उतनी स्पीड से आप नीचे लैंड कर सकते हैं। हमने लैंड कर लिया है। गाइस, आपने की देखी कैसे मैं उतरा, वैसे मेरा रोल हो गया। और देखो गाइस, अभी लोग बच्चे अभी उतर रहे हैं और हमने पहले लैंड कर लिया है। चलो गाइस, सेकंड टिप्स है हमारी ये, अगर मान लो अगर हमारे मैप से थोड़ा सा दूर हुआ और हमारी लाइन है एयरप्लेन वाली उससे थोड़ा सा दूर हुआ, तो हमें कैसे लैंड करना है। इसी तरह से उससे पहले अपना मार्क डाल दो, जैसे मैंने पूछिंग किया मार्क डाल दिया है, तो मैंने वहाँ पर लैंड करना है। अगर आप 1500 मीटर के रेंज में होंगे तो आप आराम से लैंड कर पाओगे, तो अगर दूर होगे तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल। तो गाइस, हमने लैंड कर लिया। सो भी हम जा रहे हैं कुछ के स्क्वाड हाउस में। देखो गाइस, ये गलती आपसे भी होगी कि जब भी हम लैंड करते हैं तो हमारा रोल होता है, और देखो क्या होगा, हमने रोल खो गया और मैं नीचे गिर गया। अब इस रोल को कैसे सुधार सकते हैं वो देखो टिप नंबर 3 में। तो पहले उसी की तरह पुराने टिकने की तरह हम पहले अपना मार्क लगा देंगे जहाँ हमें जाना है, तो 800 मीटर पर हम लैंड कर लेंगे। तो 110 डिग्री पे रखेंगे, जिससे हमारा फास्ट लैंड हो जाएगा। तो पबजी की हाईएस्ट स्पीड ही 234 है, इससे ज़्यादा स्पीड कोई उतरेगा ही नहीं। सबसे पहले तो हम लैंड होंगे। तो गाइस, मैं कंटेनर में नहीं उतारूँगा, मैं आपको साइड पर उतार के बताऊँगा कि कंटेनर पे दिखेगा नीचे तरीके से। तो गाइस, हम पहले साइड पर लैंड हो जाते हैं। तो गाइस, जब भी लैंड करें तो अपना फायरिंग बटन प्रेस करें। फायरिंग बटन प्रेस करने का हुआ, ये अपने पंच मारेगा जिससे ये खड़े ही रहेगा, ये रोल नहीं करेगा, क्योंकि अगर रोल करेगा तो आप कंटेनर से भी नीचे गिर सकते हो। तो मैक्सिमम लूट तो कंटेनर पे ही होती है, तो उस लूट पूरी लेने के लिए तो आप पहले पंच करें और आराम से कंटेनर पे आ जाएं। स्पॉट अपने कैंप कैसे करेंगे, और अगर ऐसे एक बात याद रखना, अगर स्क्वाड अपने कैंप किया तो गाड़ी ब्लास्ट हो अगर जोन दूर है, क्योंकि अगर आप जोन दूर होगा, अगर आप गाड़ी भी ब्लास्ट कर दोगे तो आप जोन में जाओगे कैसे। अगर आसपास कोई गाड़ी नहीं मिली तो कोई भी आपको जोन में आने से पहले ही किल कर देगा। वैसे यहाँ पर आप बैठो और कैंप करो, कोई आपको देख नहीं सकता, जो भी आएगा आपको हमारी स्कूल के सीन दूर टिप होती है ये। सो पहले जल्दी जल्दी भाग के पहले ऊपर पहुंच जाए। देखो गाइस, मेरे को फुटस्टेप आ रहे हैं कि कोई यहाँ पे मेरे आसपास है, घूम रहा है मेरे आसपास, तो दिख नहीं रहा वो भी, तो उसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। गाइस, फिर से ऊपर आ जाते हैं वापस।
इसको कोशिश करते हैं दिखने की, दिखता है तो ठीक है, तो गैस नहीं दिख रहा तो अपने काम पे आते हैं। तो गैस यहाँ पे चढ़ जाते हैं, लेफ्ट से चढ़ेंगे, जब मारेंगे तो चढ़ जाएंगे ऊपर यहाँ पे। सो गैस यहाँ पे आप बैठ के ईजिली कैंप कर सकते हो, यहाँ पे कोई सोचेगा भी नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो, और जो भी आएगा आप उसको ईजिली किल सकते हो, जितनी मर्जी दूर हो आप यहाँ से आराम से यहाँ पे कैंप भी कर सकते हो। कोई आपको सोचेगा भी नहीं कि आप यहाँ पे हो, तो आप ईजिली यहाँ से किल करो। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर ड्रॉप दिख रहा है ना, यहाँ पर आगे ड्रॉप गिरा था, मैंने देख लिया था, यहाँ पर ड्रॉप और यहाँ पर बंदा भी है वहाँ पे, दिख गया मेरे को। और गाइस यहाँ से आप आराम से किल कर सकते हैं, जैसे बंदा जा रहा है पूरा किल था उसको, और वो सोचेगा मैंने कि यहाँ से फायर होगा उसको। और गाइस नेक्स्ट टिप है हमारी, कोई भी ऐसा घर ढूंढ लो जिसकी छत ऐसी हो, और अगर आपको इजीली हर जगह मिल जाएंगे तो गाइस पहले क्या करना, हमने जल्दी जल्दी से भाग के इसकी छत पे आना है कैम्प करने के लिए, और जल्दी जल्दी लूट करने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना, और यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे ऊपर चढ़ जाना है। पहले क्या चढ़ जाओगे तो हमने यहाँ पे देखना है इसकी छत के ऊपर जाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसको, देखें कोई आसपास तो नहीं है, फिर यहाँ पे हम जल्दी जल्दी रनिंग करेंगे, यहाँ पे छत से रन करके जब मारेंगे और हम यहाँ पे छत पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ईजिली किल कर सकते हैं हम जो भी हमारे को देख रहे हैं। देखो हम यहाँ से जैसे हर जगह मार सकते हैं, हर जगह फायर दे सकते हैं, अगर चाहे तो बॉट फायर जगह होगा, जो भी बंदा होगा आपको नहीं दिख रहा वो बाहर आएगा बॉट मारने में, और आप उसको भी मार सकते हो ईजली कर सकते हो ईजली। और आप यहाँ पे लेट जाओ जिससे कोई आपको, और गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमारी, जो हमारी पुचिंकी में करते हैं, पुचिंकी के जो डबल ग्रीन है जिसको आप कुछ लोग होटल भी कहते हैं, ऐसे उस पर चढ़े कैसे। तो गाइस पहले तो ट्रिक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास बंदे नहीं है, तो गाइस यहाँ पे पहले ऐसे आना है, पीछे बैक से जंप करना हो, और यहाँ पे जंप करके हमने यहाँ पे दरवाजे के ऊपर चढ़ जाना हो, जो एक और जंप करना जिससे हम किसके ऊपर आ जाए, बिल्डिंग के ऊपर आ जाए। और पहले घूम गाइस हम यहाँ पे चढ़ गए हैं, यहाँ पर बिना किसी हेल्प के हम छत पर चढ़ गए। और ये तो मत करना भाई, ऐसे तो चढ़ना नहीं, क्योंकि ये दूसरी साइड गिर जाएगा, और अगर आप यहाँ पे चढ़ भी जाते हो तो भी गैस ध्यान रखना कि सीधा ही चढ़ो, अगर आप टेढ़ा चढ़ोगे फिर गिर जाओगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप यहाँ से फिर गिर जाओगे। भाई सीधा आना है, गन छोड़ देनी है और आराम से चढ़ जाना। जैसे मेरे को यहाँ पे भी फायर हुआ, अभी हम देखो गाइस ट्राई टू कनेक्ट हेड, जितना हो सके उतना हेड कनेक्ट करो कि आपकी एमओ भी वेस्ट ना हो और आप आराम से किल कर सको। भी था लेकिन यहाँ भी था, यहाँ वाले को तो मैंने किल कर दिया, और आगे देखते हैं। सो गाइस अगर देख लो यहाँ पे गाइस हम ग्रीन होटल पे भी आ गए हैं, जिसको आप होटल कहते हैं, कुछ डबल ग्रीन कहते हैं, अपने अपने नाम डाले सबने। तो गाइस हम यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमने ईजली देखो गाइस हम यहाँ पे चढ़ गए हैं, और यहाँ पे आप कहीं से भी किसी भी स्क्वाड हाउस के सारे बंदे मार सकते हैं। अगर आपके ब्रश भी होता है तो पहले स्क्वाड हाउस में जाएंगे, तो उनको ईजली मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो गाइस हम यहाँ पे चढ़े हैं तो भी कोई मार भी नहीं सकता, और अब यहाँ पे बार बार हमने खड़े भी नहीं होना है, बार बार नीचे बैठना है, क्राउच करना है कि कोई हमें देख ना सके, अगर देखेगा तो क्या फ़ायदा होगा, क्राउच करना और हेड बचाना। और गाइस अभी हम दूसरे पे भी जा सकते हैं, आराम से हम दूसरे पे भी चढ़ गए हैं, आराम से चढ़े तो हम देखो गाइस यहाँ से ईजली स्क्वाड के सारे बंदे हम देख सकते हैं, आराम से मार सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर कुछ गलती हो तो भाई छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, और अगर वीडियो भाई प्लीज़ 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना जो नए नए पबजी खेलने आए हुए हैं, और उनको भी हेल्प करना कि उनकी ट्रिक्स उनको भी पता लगे और कैसे कैसे वो भी अपना गेम प्ले कर सकते हैं। गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, तो दिख रहा है।